तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस मैथमेटिक्स क्लास में। और ये मैथमेटिक्स क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लग रहा होगा ना, तो मैथमेटिक्स आपके दिल में उतार देंगे। इस बार मोहब्बत होगी, यानी किससे होगी? मैथमेटिक्स से होगी। और इस बार आपको बिहार टॉपर बनना है। नया जोश, नया सफर, बनना होगा आपको बिहार टॉपर। ये दिमाग में बैठा लीजिए, मैं तो आपके दिल में उतार देंगे। और ये चुटकियों में आप आंसर लिखेंगे, चुटकियों में बाबू आंसर लिखेंगे। यहां समझिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे ही डायरेक्ट, देखो मैं कैसे बोला, इसका आंसर वन आएगा और इसका भी आंसर वन आएगा। डायरेक्ट समझो कैसे, यहां देखिए, जैसे ही दिखे आपको कि साइन स्क्वायर है और यहां भी कोई स्क्वायर लगा, तो दिमाग ये लगाना है कि लग रहा है कि स्क्वायर ग्रुप का है। किसका है बाबू? स्क्वायर ग्रुप का है। और स्क्वायर ग्रुप में साइन के साथ कॉस होता था, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हुआ करता था। उस हिसाब से तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ 63 डिग्री है, 63 और यहाँ 27 है। कोसे दिए देखो तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा, याद है ना? चेंज कर दीजिए ना, इसको एक को बदल दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, 63 और प्लस, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 माइनस थीटा याद है, ये रूल होता है, 90 माइनस 27 इतना हो सकता है। बट दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, इसी को चेंज कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस चेंज होगा तो साइन में चेंज होता है 90 माइनस 17। ये रूल आपको पढ़ा दिए हैं। और ट्रिक तो इतना जबरदस्त बताया है ना, पूरे यूट्यूब पर आपको वैसा ट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। आई गारंटी कि आपको एक फार्मूला याद नहीं करने देंगे बाबू, आपको देखते ही फार्मूला दिमाग और दिल में तो फिट हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर 73, थोड़ा सा एक स्टेप लिखिए, साइन स्क्वायर 63 और प्लस, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 63 और बट्टा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 में से 17 जाएगा तो 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों सेम है, फार्मूला होता है वन, इसका भी वही फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन, और ये इसका आंसर हो गया वन। इसका भी सेम है, किसी एक को चेंज कीजिए, एक को छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, साइन 25 इनटू कुछ नहीं है, बीच में तो घोड़ा रहता है, कॉस को बदल दीजिए साइन में, साइन 90 माइनस 65, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस इसमें दोनों में से किसी को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख दीजिए कॉस, कॉस लिखिए, कॉस 25, इसको चेंज कीजिए, जब इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 65। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 25, लिखिए साइन, और ये हो जाएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, 90 में से 65 हो जाएगा 25, ये लिखिए कॉस 25, और यहां देखिए कॉस 90 में से 65 जाएगा 25, यहां देखिए साइन 25, साइन में दो बार है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, साइन स्क्वायर 25 और प्लस कॉस दो वो है तो कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो दोनों का आंसर क्या आ गया बाबू, वन आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसका देन एंड देयर स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट दिल में उतर जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चार ऑब्जेक्टिव में से आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। देखिए 2014 में आप जाकर के देखिए, 2014 में ये वाला एग्जाम में पूछा है, और इससे थोड़ा सा घुमा करके भी इसी क्वेश्चन को पूछता है, ये हर हाल में आता है, इसको दिमाग में बैठा लिए, इस चार गो में से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा रहता है। ये चार नंबर क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज है, यहाँ समझिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये दो लाइन, ये दो क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझते हैं डीपली, एक एक पॉइंट क्या कह रहा है। 9 sec² a - 9 tan² बताओ, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 9 का टेबल यानी 9 कॉमन दिख रहा है, अगर हम 9 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से समझिएगा, जब 9 बाहर निकालेंगे तो बचेगा sec² a - 10² a, यही तो बचेगा ना, ये 9 लिख दीजिए, sec² a - 10² a, एक फार्मूला होता है, मामला को सेट कर दो, ट्रिक बताए थे ना, मामला को सेट कर दो, तो उससे फार्मूला से क्या होता है, sec² a - 10² a फार्मूला होता है 1, और 9 एकम 9, इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। इसी क्वेश्चन को एक बार घुमा के पूछा था, क्या घुमाया था, ऐसे दिया था 9 into, सेम था क्वेश्चन लेकिन पलट दिया था, 10² a - 9 sec² a, समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाना था। आपको लग रहा हो कि ये दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, इसमें sec आगे है, 10 बाद में है, इसमें 10 पहले है और sec बाद में है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेकिन माइनस में 9 होगा, क्या होगा, माइनस, क्योंकि पहले इसको आप पलटिएगा,
क्या कीजिएगा, पलटिए इसको आगे कीजिएगा, माइनस नाइन सेक ए, ये माइनस में लिखा है ना, और ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा नाइन टेन स्क्वायर ए। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा, या माइनस कॉमन लीजिएगा जैसे ही दिमाग लगेगा, और नाइन तो जो माइनस में होता है वो प्लस में हो गया, सेक स्क्वायर ए, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो गया, हो गया कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन और नौ में एक से गुणा कीजिएगा तो नौवे होगा, और ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में नाइन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा करके बाबू पूछता है। तो ये आप समझ गए, ये वाला क्वेश्चन समझ गए यहाँ पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, वन प्लस टेन, इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और देखिए कि इसमें से कौन ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले वन, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक, नीचे कॉस है तो पक्का इसका भी कॉस होगा। वो क्वेश्चन ऐसे ही सेट करके देता ही है कि आपसे बन जाए और एलसीएम वगैरह लेने में परेशानी नहीं हो। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है वन बटा कॉस थीटा, देखो तो नीचे दोनों कॉस ही आ रहा है, फिर ये इनटू में क्या है, तो इनटू में यहाँ पे है वन प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है वन बटा साइन थीटा, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे काम कीजिए कि बट्टा का जोड़ घटाव कर लीजिए, हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा साइन थीटा माइनस वन, और फिर इसके बाद से ये जब कीजिएगा तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में वन। इतना आपको समझ में आया होगा। यहां ध्यान से देखिए, अगर हम पूरा को ए मान ले, पूरा को क्या मान ले ए, दिमाग लगाइए, पूरा को ए मान ले, ए प्लस इसको मान ले हम बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरा को हम ए माने हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे और प्लस साइन थीटा, पूरा को है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और बट्टा ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, टू ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर ये फॉर्मूला, माइनस में वन अब बट्टा में हो गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए तो फॉर्मूला पर सेट है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा ये दोनों को मिला के क्या होता है फॉर्मूला वन हो जाता है, क्या हो जाता है वन, और प्लस ये बचेगा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में वन और बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया, वन से वन खत्म हो गया। जब ये वन से वन खत्म हो गया तो ये भी तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने के बाद नीचे वाला स्टेप में कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा खत्म हो गया, बच गया आपका टू आंसर। वैसे डायरेक्ट ऐसे काटा नहीं जाता है, क्या ये खत्म होता तो हम इसको साइड में लिखते, फिर इस दोनों से ये काट देते और बच गया दो, यानी कि दो आपका आंसर हो जाएगा, ये दो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत शानदार है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद वाला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखो बाबू ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं कीजिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे है सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वन बट्टा कॉस थीटा प्लस, पक्का नीचे कॉस आएगा जब यहाँ आ गया तो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा, हो गया, इतना तो कर सकते हो। अब बाकी इधर वाले को एज इट इज उतार दो वैसे ही, वन माइनस साइन ए, अब दोनों का एलसीएम लो तो हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा, थीटा नहीं है ए है यहाँ पे, तो ए ही लिखो क्योंकि आदत में आ गया है थीटा, तो हम लोग तो आदत से मजबूर क्या करें जनाब, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, सब जगह ए डाल लेना, जहाँ थीटा लिखेंगे वहाँ ए ही समझिएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला, एक चीज याद रखिए त्रिकोणमिति में सिर्फ एक ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों अगर सेम हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो फॉर्मूला होता है दो गो a है तो ए स्क्वायर, दो गो b है तो बी स्क्वायर, दो गो b है ना, प्लस माइनस माइनस, यही फॉर्मूला होता है। जब भी सेम आपको दिखे एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी सेम दिख रहा है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो हो जाएगा ए के स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर और बट्टा नीचे है कॉस ए,
इतना तो हो गया, ये दोनों से बन गया, नीचे एक और वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कोई फॉर्मूला होता है याद करो, स्क्वायर ग्रुप में स्क्वायर ग्रुप का है ना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब बटा में कॉस ए, यहाँ दो गो कॉस है, यहाँ ए गो कॉस है, ए गो से ए गो खत्म हो गया। अब मत कहिए कि सर आप दो गो काहे किए, अरे ए गो ए गो दो गो है, पावर में दो है, तो हो जाएगा कॉस ए इसका आंसर। तो ऑप्शन में आप देखिए कॉस ए कहाँ है, डी इज अ राइट आंसर। और इसका आंसर तो सबसे आसान है, ये फॉर्मूला है, आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, आपको हम फॉर्मूला का ट्रिक बताया जिसमें तीन गो मल्टीप्लाई ग्रुप का था और तीन गो स्क्वायर ग्रुप का था, तो एक चीज याद रखिए ना, वन किसके किसके साथ था, क्या टेन के साथ कभी वन था, तो था ही, जब सेक और टेन साथ में रिलेशन में था लो, रिश्ता में था लो, तो वन होता है। तो आप सोचिए ना कि जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे मिला था तो वन था, तो जब भी यहाँ पे अगर ये दोनों साथ में रहे तो सोचिए कि पक्का वहाँ टेन का सेक का कमी है, अगर ये दोनों साथ में है तो समझिए कि वहाँ वन का कमी है, यानी तीनों कभी ना कभी दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो वन प्लस टेन है, तो फॉर्मूला में क्या होता है सेक भी तो एगो नाम आता है ना, तो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। आप बताइए वन और कॉट किस में था, थोड़ा सा याद करने, वन और कॉट स्क्वायर कॉसेक के साथ था, कॉसेक वाले रिलेशन में, तो ये हो जाएगा कॉसेक सी ओ एस ई सी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका हो गया सेक स्क्वायर, इसका हो गया कॉसेक स्क्वायर। सेक थीटा बराबर होता है वन बाई कॉस और कॉसेक होता है वन बाई साइन, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर डालेंगे, ऊपर नीचे ऊपर ये चला जाएगा साइन ऊपर और बीचे बीचे नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है, और यहाँ स्क्वायर। लेकिन एक मेरे में कमी क्या है कि यहाँ पे है ए और हम लिखे हैं थीटा, तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या है, सब जगह ए डाल लीजिएगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, हम लाख छिपाएं मतलब ये कमी मगर आपको समझ में आ जाता है। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर, ये वाला डी इज अ राइट आंसर, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका चार नंबर का आंसर था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यहाँ तो उतर ही गया होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो मेरे अंदर कमी है वो कमी है कि एक जगह थीटा लिख दें भावनाओं में बह जाते हैं, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बाबू आप लोगों को डाउट होता है, बाबू पता है क्या डाउट होता है कि सर आपके दिमाग में कैसे आया कि यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में राइज हो रहा, खुद से पूछते हो कि आखिरकार आपको कैसे पता, आप तो सर मान लीजिए टीचर हैं तो आप बता दें कि ये फॉर्मूला, हमको कैसे समझ में आएगा कि सर आप यही फॉर्मूला लगा रहे, तो हम कैसे करें कि यही फॉर्मूला लगाए, तो समझिएगा हम सोचते कैसे हैं। समझिए कॉसेक थीटा है कॉट थीटा है, इतना समझ में आया, और बदलना किस में है कॉस में। आप खुद थोड़ा देर के लिए सोचिए कि कॉस में बदलना है, फॉर्मूला आपको याद है सब, तो बताइए कि कॉस में कॉस किसके किसके साथ रहता है, कॉस एक तो साइन के साथ रहता है, ठीक है, और एक वो कॉस सेक के साथ रहता है, इतना तो कन्फर्म हो ना, इतना क्योंकि याद रखिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, तो एक बार कॉस किसके साथ है साइन के साथ है, या फिर कॉस किसके साथ रहता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन, यही ना होता है। और देखिए कॉस रहता है किसके साथ साइन के साथ, ठीक, और साइन किसके साथ रहता है तो साइन सेक के साथ रहता है, आपको याद है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, ये भी फॉर्मूला एक वन होता है। तो यहाँ देखिए रिश्ता बन रहा है कुछ, अगर हमारे पास कॉस पता रहे ना तो हम चाहेंगे तो कॉसेक में भी ला सकते हैं आंसर, साइन में भी ला सकते हैं, तो यहाँ देखिए हमको कॉस में आंसर लाना है, इससे बना करके ये साबित करना है कॉस में, हमारे पास कॉसेक है, क्या है बाबू कॉसेक है, तो हमारे पास कॉसेक है तो कॉसेक को हम किस में बदल सकते हैं साइन में, साइन में, और साइन किस में बदल सकता है कॉस में, समझिएगा हमारे पास कॉसेक है तो कॉसेक को हम साइन में बदल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक और साइन साथ में होता है, और साइन को कॉस में तो ये आ नहीं सकता है, आने का चांसेस तो बनता है ना, ठीक है। तो यही ट्राई हम लोग करते हैं कि हमको जल्दी कॉस किस में मिलेगा, वही तो फॉर्मूला का रिश्ता जोड़ना आपको बताएं कि कॉसेक से कॉस में कैसे बदलेंगे, तो पहले इसको बदलते हैं साइन में, तो वन बट्टा साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा बराबर, तो यही फॉर्मूला नॉर्मल लगा लीजिए, यहाँ पे क्या आया है थीटा आया है ना, तो पक्का इसको तोड़ोगे तो साइन ए थीटा आएगा, ठीक है, तो ये होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, होता है कि नहीं, होल स्क्वायर है, हम चल रहे हैं एल एच एस से, किससे चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, राइट हैंड साइड ला देना है आ जाएगा। अब इतना तो आपको पता हो गया, अब ये बट्टा का जोड़ जैसा घटाव जैसा दिख रहा है कि नहीं, बट्टा का घटाव कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों का एलसीएम होता है साइन थीटा,
और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों का है होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये दोनों का होल स्क्वायर है। तुम चाहो तो इसको अपना पर्सनल स्क्वायर दे सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे, या फिर ये तुम इसका अलग दे दो साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे दे दो, यहाँ स्क्वायर रखो। आप खुद थोड़ा सा समझिए, 1 प्लस कॉस लाना है, इवन 1 माइनस कॉस आ गया है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा मैच करने लगा, देखो तो यहीं से मैच करना शुरू हो गया। तो इसको चाहो तो दो बार लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हो। आप बताइए क्या साइन भी, अब नीचे लाना है ना, तो आप सोच के देखिए क्या साइन भी बदल सकता है कॉस में। तो ये स्क्वायर ग्रुप में यही ना होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, होता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से पता चल जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। आप बताइए यहाँ अगर स्क्वायर लगा देते तो कोई दिक्कत है, एक का स्क्वायर एक ही ना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, इससे ये खत्म हो गया, सेम टू सेम था ना, खत्म हो गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो हमको लाना था। देखिए तो ये आर एच एस मिल गया हमको, एल एच एस बराबर आर एच एस मिल गया, तो यही लाना था। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था सिंबल वगैरह क्वेश्चन उतारने में, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा। सेम टू सेम ये भी वैसे ही है, सेक में लाना है ना, आपके पास कॉस है, पहले इसका बट्टा का जोड़ की तरह दिख रहा है ना, पहले मेरे दिमाग में आएगा कि बट्टा का जोड़ करें, तो सिंपल है ना, बट्टा का जोड़ करो 1 प्लस साइन, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दें, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसको हम मिटाते हैं और इसको यहाँ से बनाते हैं। ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यही तो है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस एलसीएम जब नहीं होता है ना तो इसी को उतार देते हैं, नीचे वाला का इतना ही हो गया, ठीक, इसमें इसमें भाग दीजिएगा तो इससे ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसमें इसमें डिवाइड, कॉस से कॉस खत्म, ये दोनों सेम बच जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए, दो बार लिख दो, क्यों, क्योंकि इससे इससे भाग दिए तो कॉस से कॉस खत्म हो गया और ये वाला का स्क्वायर, और ये वाला तो हमको लाना है, हम चल रहे हैं किससे, एल एच एस से, ठीक। यहाँ लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, आप बताइए यहाँ से क्या करोगे, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला पर है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2ab हो जाएगा, और बट्टा इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, 1 प्लस साइन ए और बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, दोनों को मिला के फॉर्मूला में क्या होता है 1 प्लस, ये भी हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए और बट्टा, यहाँ ये वैसे ही छोड़ दो, 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, 1 और 1 कितना होता है 2। अब तुम गलती बाबू क्या करोगे, 1 1 2 कर दोगे, 2 और 2 4 कर दोगे, इस साइन के साथ है ही, इसमें नहीं जुटेगा, 1 1 2 प्लस 2 साइन ए और बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। इन दोनों में दो कॉमन मिल रहा है तो दो बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से दो निकल गए तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 1 बचा तो 1 में साइन से गुणा होगा तो साइन ही हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा साइन 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। इससे ये खत्म हो गया, बच गया आपका 2 कॉस ए, हमको लाना का है 2 सेक लाना है, तो कॉस को तो सेक में बदल ही सकते हैं, 2 बट्टा 1 बाई सेक ए, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 सेक ए, हो गया आपका प्रूफ, आर एच एस आ गया, आर एच एस हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, बहुत आसान है बाबू, मैथमेटिक्स ना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। और देखिए मैथमेटिक्स को ना अपने हिसाब से ले चलिए, अगर उसके हिसाब से चलिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फंस जाएगा, फिर आप उससे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। मोहब्बत आपको करना है ना, आपको इससे दिल लगाना है ना, आपको इसको समझना है ना, तो अपने हिसाब से ले चलिए ना, ठीक है। ज़्यादा सेक्रीफाइस मत कीजिए, ठीक है। तो ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। और याद रखिएगा मैट्रिक के एग्जाम में 8.4 का जो 5 नंबर का 10 क्वेश्चन है वो 10 इंपॉर्टेंट है, उसी में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो उसको रट लीजिए यहां और यहां फिट कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन बचा है एक ही बार कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।